हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको भैया दूज की कथा सुनाऊंगी। इसमें हम आपको भैया दूज की दो कथा और एक गणेश जी की कथा सुनाएंगे। अब भैया दूज की पूजा में किसी की भी आरती नहीं होती है, तो भैया दूज की पूजा में हम सिर्फ भैया दूज की कथा सुनते हैं और फिर गणेश जी की कथा सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भैया दूज की पहली कथा। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के प्रतीक का पर्व भाई दूज की कथा इस प्रकार है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वे उनसे बराबर निवेदन करती कि वे उनके घर आकर भोजन करें। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहते। कार्तिक शुक्ल द्वितीय का दिन आया। यमुना ने उस दिन यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमराज यमुना के इस अतिथि भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि हे भाई, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसको तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कह के यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। भैया दूज की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण के दो संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज होकर भला बुरा नहीं कहती। बहन की शादी हो गई, बहन अपने ससुराल चली गई। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया तो वह चरखा कात रही थी। तभी बहन के सूत का तार टूट गया। वह भाई के आने का उसे पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जोड़ नहीं रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई कि क्या करूं। पड़ोसन ने उसे उल्टा समझाया और कहा, तेल से चौका लीप, घी में चावल पका। उसने ऐसा ही किया पर ना तो चौका सूखा ना चावल पके। एक दूसरी सहेली से पूछने पर उसने कहा, गोबर का चौका लीप, दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बना और भाई को खिला। अब उसने बढ़िया खीर बनाकर भैया को खिलाई। भैया बहुत खुश हुआ। अगले दिन उसने कहा कि बहन, आज मैं अपने घर को जाऊंगा। अब रात के समय बहन ने भाई के रास्ते के लिए लड्डू बनाने की सोची और लड्डू बनाने के लिए चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ साथ चक्की में सांप पिस गया पर उसे पता ही नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध दिए। जब भाई चला गया तो बहन को सांप के पिस जाने का पता चला। वह अपने बच्चे को पालने में सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी थी। भाई ने अभी तक कुछ खाया नहीं था। बहन ने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पियर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरते देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया, जो बहन अपने भाई से कभी नाराज नहीं होती तो उसके भाई की शादी के समय ये शिलाएं उसकी छाती पे रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पे शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। अब बहन बहुत डर गई। उसने नागिन से उपाय पूछा। उपाय पूछने पे नागिन ने बताया, भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावच को कोस कर गालियां दे, तब भाई बच सकेगा। वहीं से भाई को कोसने लगी और गालियां देती देती पीहर भोची। माँ बाप को बेटी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गालियां देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और घोड़ी पे बैठ गई। जो ही वो घोड़ी पे बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के सभी लोग हैरान रह गए। अब उसने जिद की कि वो बारात के साथ जाएगी। सभी लोगों ने हामी भर दी। वो बारात के साथ चली गई। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर खुद ही फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं ही कर रही थी, यहाँ तक कि सुहागरात को भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी।
समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो जानती थी, उसने नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। उनके आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए तब उसकी माँ को उसकी याद आई, उसे भी विदा करें। विदा के समय उसकी माँ ने उससे कहा कि उसने क्या क्या किया था जिसे सभी मेहमान गुस्सा थे। तो उसने अपनी माँ की उपेक्षा कर गुस्से से कहा, मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे, मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की, इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चों को पालने में रोता चिल्लाता छोड़कर आई हूँ, मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यह कह के जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। जैसे इस बहन ने अपने भाई के जीवन की रक्षा की, ऐसे ही प्रभु हमें भी इतनी शक्ति देना कि हम भी अपने भाई के जीवन में आए सारे कष्टों को दूर कर सके। गणेश जी की कहानी। एक कुएं में एक मेंढक रहता था और एक मेंढकी रहती थी। मेंढकी गणेश जी महाराज की बहुत सच्ची भक्त थी और हर समय गणेश जी महाराज का नाम जाप करती रहती। जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। परंतु जो कुएं के और मेंढक थे वो बहुत नटखट थे। उसने उस मेंढकी के मेंढक को कहा कि देख, तेरी स्त्री तो हर रोज पराए पुरुष का नाम लेती है। अब इससे मेंढक बहुत चिढ़ गया। वो मेंढकी के पास आया और उसे बोला कि बता तू किसका नाम लेती है। उसने बोला मैं गणेश जी का नाम लेती हूँ। तो उसने बोला नहीं, आज से मैं ही तेरा भगवान हूँ, तू बस मेरा नाम लेगी और अगर तूने किसी और का नाम लिया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। मेंढकी मन से तो जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज करती और मुंह से मेंढक मेंढक करती। एक दिन गणेश जी महाराज ने भक्तों की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने लीला रचाई। एक स्त्री कुएं पे पानी भरने के लिए आई, दोनों मेंढक मेंढकी मटके के अंदर चले गए। स्त्री ने जाते ही वो मटका आंच के ऊपर रख दिया। अब जैसे जैसे पानी गर्म हो, मेंढक को तो पानी बहुत गर्म लगे और मेंढकी को पानी ठंडा का ठंडा लगे। अब मेंढक ने कहा, मुझे तो पानी बहुत गर्म लग रहा है, मैं तो उबले जा रहा हूँ और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो तू सच्ची सच्ची बता तू क्या कर रही है। तो उसने बोला नहीं स्वामी, मैं तो तुम्हारा ही नाम ले रही हूँ, मेरे भगवान तो तुम ही हो। तो मेंढक को अपनी भूल का बहुत एहसास हुआ। उसने मेंढकी को बोला कि नहीं तू सच्ची सच्ची बता। तब मेंढकी ने कहा, मैं विघ्नहर्ता कष्ट नाशक गणेश जी महाराज का नाम ले रही हूँ। तब मेंढक भी जाप करने लगा, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। इतने में गणेश जी महाराज बैल का रूप धर कर आए, अपने सिंगों से घड़े को फोड़ा और दोनों मेंढक मेंढकी उछलते हुए कुएं में चले गए। जैसे गणेश जी महाराज ने उन मेंढक मेंढकी का कष्ट हरा, ऐसे हम हर किसी का कष्ट काटना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब इसके बाद कोई आरती नहीं होती है, यही हम अपनी पूजा का समापन करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगेगी और इसको आप भाई दूज वाले दिन जरूर सुनेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।